देखो, ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें हमें क्या देखना है कि कुछ ना इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, ऑटोनोमस बॉडीज बनाई हुई हैं, ताकि जो ट्रेड एंड कॉमर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं, उनको जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट तक कैसे पता चलेगी, वो ये गवर्नमेंट जाके उनको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो स्टूडेंट क्या फेस कर रहे हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम कौन किसको बताएगा? टीचर्स बताएंगे, टीचर प्रिंसिपल को बताएंगी, प्रिंसिपल फिर एजुकेशन मिनिस्टर को बताएंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पता चलेगी। तो ऐसे हायरार्कीज है, ऐसी बिजनेस पर्सन को आजकल क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, इंडिया में चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, कॉमर्स एंड चैम्बर्स बोलते हैं उसको। उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं कि उनके रोल क्या हैं और वो लोग क्या करते हैं, राइट। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो देखो इसकी हेडिंग क्या है, रोल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। क्या रोल है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का एंड इंडस्ट्रीज का इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड? तो देखिए, इन इंडिया द फॉलोइंग एसोसिएशन और चैम्बर्स एक्ट एज अ नेशनल गाइडलाइंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दे हैव बीन प्लेइंग अ कैटलिटिक रोल इन स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनल ट्रेड। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एसोसिएशन है एसोचैम, एसोचैम एक एसोसिएशन है, एक है फिक्की, समझ गए आप, एक फिक्की, एक पीएचडी चैम्बर्स, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशंस का काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। गवर्नमेंट क्या कम्युनिकेट करना चाहती है और बिजनेसमैन क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास काम करते हैं, राइट। अब देखिए पहला इनका काम क्या है, रोल एंड फंक्शन में पहला इनके पास काम है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब देखिए इंटर स्टेट का मतलब आप जानते हैं ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट्स ऑफ गुड्स को हम इंटर स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी से सामान एमपी आ रहा है, एमपी से सामान राजस्थान जा रहा है, तो ये दो स्टेट के बीच में क्या है, कभी डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट क्यों होता है, मान लीजिए अलग अलग गवर्नमेंट है, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो ऐसे डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसका सामना किसको ना करना पड़े, इंडस्ट्रीज को ना करना पड़े, तो ये एसोचैम, फिक्की, पीएचडी चैम्बर क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। तो आई कैन से कि इंटर स्टेट मूवमेंट गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सही तरीके से पहुंचे, उसके लिए कौन काम कर रहा है, ये इंडियन चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री काम कर रहे हैं। दूसरा, ऑक्ट्राय एंड लोकल टैक्सेस। पहले समझिए ऑक्ट्राय क्या होता है। ऑक्ट्राय लगता था, बोलूंगा मैं, क्योंकि जीएसटी के आने से वो मर्ज हो गया है। ऑक्ट्राय लगता था, जैसे मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो, तो जो टेम्पू ट्रक या जो भी आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स ले जाओगे उसको आपको ऑक्ट्राय पे करना पड़ेगा। जैसे कभी आप घूमने फिरने गए थे, अभी इस साल तो आप नहीं गए होंगे, तो टोल देना पड़ता है, याद है आपको, टोल कभी कभी लगता है, समझ गए। तो ऐसे ही ऑक्ट्राय लगता है, हैवी व्हीकल्स पे क्या लगता है बताइए, ऑक्ट्राय लगता है, तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, ये सोल्यूशन दिया गया। उसके बाद लोकल टैक्सेस क्या होते हैं, एक स्टेट के अंदर टैक्सेस होते हैं। अब तो जीएसटी आ गया तो लोकल टैक्स तो इसमें समअप हो गए, पहले लगता था वैट, समझ लो, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट कितने टैक्सेस लेती है, इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में, कोई टैक्स की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो ये सब सॉल्व आउट करने में हेल्प करते हैं एसोचैम, फिक्की। नेक्स्ट है हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स में हार्मोनाइजेशन, आप तो जीएसटी आ गया है तो मैं कह सकता हूँ पहले होता था सेल टैक्स भी पे करना पड़ता था, वैट पे करना पड़ता था, बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, फिर सेंट्रल लेवल के टैक्स पे करने पड़ते थे, अब जीएसटी आ गया तो जीएसटी में भी हम ये पॉइंट बना सकते हैं कि जीएसटी टैक्स पे करते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसको किसको बताओ, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कौन करेगा, यही करेंगे इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स। लास्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, पहले ये समझो आप, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो लगती है इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये इंडियन चैम्बर्स का काम है कि
कि कहीं प्रोड्यूसर्स को एक्साइज ड्यूटी का बर्डन तो नहीं लग रहा, कहीं उनको ऐसा फील तो नहीं हो रहा गुड्स मैन्युफैक्चर करने में हमें ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ये सभी ये काम करते हैं, और कलेक्शन भी कौन करता है एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्सेस का, ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, क्या रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब अगले पेज पे आ जाओ आप, कंटिन्यू करें, तीन फंक्शंस और बचे उसे भी कर लेते हैं, इसी का करें फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट बोलता है वेट एंड मेजर एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक नॉन ब्रांडेड है, ब्रांडेड रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा है, रिन्यूअल फीस दे रहा है, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है, नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड। तो इन सब लोगों को पकड़ना, फ्रॉडलेंट लोगों को पकड़ना किसका काम है, इन एसओएम का काम है, प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड को पकड़ना। फिर प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए, बिजनेस हो सके, लोगों के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, समझ लो लोगों की ग्रीवेंसेस सॉल्व हों, राइट। तो इनको बिजनेस करने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सारी सॉल्व आउट हो जाएं, इसको कौन पूरी करेगा, ये हमारे पास ये जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं वो लोग ये काम करेंगे। लेबर लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन में क्या है, लेबर लेजिस्लेशन मतलब है लेबर से रिलेटेड लॉ, लेबर से रिलेटेड लॉ बनाए गए हैं ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि कहीं पता चला लेबर को पैसे ले काम करा लिया आपने और पैसे नहीं दिए, या काम ज़्यादा कराया पैसे कम दिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है बताइए, इन सब चीज़ों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा अब पूरा कॉन्सेप्ट हो गया रोल ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एसोसिएशन बनाए गए हैं वो लोग क्या करते हैं, राइट।